हे गाइस, व्हाट्स अप? क्या हाल चाल? आप लोग कैसा कर रहे हैं अपनी लाइफ में? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, और आपकी प्रिपरेशन जेई और नीट की बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लीज उन इनऑर्गेनिक के वीडियोस को चेक कर लो। लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, जो हम ट्रेंड्स देखते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो जान खा जाते हैं, वो आज हम करने वाले हैं। और ये भी वन शॉट सीरीज होगा। इसमें ऑलमोस्ट 50 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होंगे जो हम आज कवर करेंगे। अगर आप ये कवर कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, भले आपको 2x पे देखना पड़े, वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। नोट्स बना लो, तुम्हारे लिए रिवीजन के लिए बहुत इजी हो जाएगा। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमी वे, और मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे गिवन है, जिसको भी अटैच होना है वो अटैच हो सकता है। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, और वो हर टॉपिक से है, मतलब एफ ब्लॉक से भी है, पी ब्लॉक से भी है, एस ब्लॉक से भी है। सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कवर हो जाएंगे आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है? तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें इसको अरेंज करना है आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। तो अगर तुम्हें मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलूं तो नॉर्मली इसमें क्या होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है, और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। साइज जब ऑलमोस्ट सेम होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर भी इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, वो देख लेते हैं क्या है। जैसे सोडियम है, ऑब्वियसली सोडियम की तो सबसे कम ही होगी। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में तुम्हें देखना है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 है ना? हाँ ठीक है। और इसी के बाद एल्युमिनियम आएगा तो हो जाएगा नियॉन तक तो आएगा सेम, और 3s2, 3p1। तो तुमको मैंने बताया था पेनिट्रेशन पावर की, एस से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है इन कंपैरिजन टू पी से। तो यहां पे एस की पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है। तो इसके बाद आएगा आपका, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। तो फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या, मैग्नीशियम, और फिर आ जाएगा सिलिकन। तो ये है पहला ऑर्डर, ठीक है? तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना कि ये इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। देखो ये भी आयनाइजेशन एनर्जी वन ही तुम्हें बतानी है, आयनाइजेशन एनर्जी वन का ऑर्डर अरेंज करना है। तो वही नॉर्मल इस साइड जाने पे क्या, तो कुछ लोग तो ये आंसर लगाएंगे, देखो कि लिथियम की बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, बट ये गलत है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, कहां पे प्रॉब्लम आएगी, दो जगह पे प्रॉब्लम आएगी, एक तो यहां पे प्रॉब्लम आएगी और एक यहां पे आएगी। दोनों का रीजन अलग है, मैं बता देता हूं। जैसे बेरिलियम में क्यों प्रॉब्लम आएगी, देखो भाई 1s2 2s2, और बोरॉन 1s2 2s2 2p1। पी से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है इन कंपैरिजन टू एस से इलेक्ट्रॉन निकालना, अगर वो सेम शेल में प्रेजेंट है, ठीक है? तो यहां पे भी सेकेंड पीरियड है, यहां पे भी सेकेंड पीरियड है, यहां पे एस में इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेनिट्रेशन पावर से रिलेटेड है, ठीक है? एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, मतलब वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, टफ होगा। तो अगर इन दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी वन का ऑर्डर पूछेगा तो बेरेलियम का ग्रेटर देन होगा बोरॉन से। तो ये एक पहली तो यहां पर प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन जो होता है वो होता है 1s2 2s2 4 हो गया 2p3, और ऑक्सीजन होता है 1s2 1s2 2s2 2p4। तो दिस इज हाफ फिल्ड,
हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो जब वो मोर स्टेबल है तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो रेड वाला पोर्शन मैंने बनाया है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको मैं सही करता हूँ कि यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन में किसकी ज्यादा होगी। अभी मैंने समझा दिया ना किसकी ज्यादा होगी, पहले आएगा बोरॉन, फिर आएगा बेरिलियम, और फिर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पहले आएगा और नाइट्रोजन बाद में जाएगा। रीजन मैंने तुम्हें बता दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है, रीजन तुम्हें पता चल गया है, एक अच्छा ट्रेंड तुम्हें याद रहेगा। इसको इसको कुछ लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या एक्सेप्शन, छोटी सी सिंपल सी चीज है, उसको समझ लो। अगर सिंपल सी चीज समझ में आ जाएगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यहां पर आएगा क्या, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, सो दिस इज करेक्ट। तो पहले जिसको मैंने कट किया था अब ये करेक्ट हो गया है क्योंकि इसमें मैंने चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट Al प्लस 3, Mg प्लस 2, O माइनस, F माइनस, Na प्लस। तो सबसे पहली जो इसमें चीज तुम्हें देखनी है कि जितने भी आयन्स हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अब तुम एक चीज बताओ, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे साइज छोटा होगा, ठीक है। मोर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेस विल बी द साइज। तो मतलब जो जितना ज्यादा कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा साइज होगा। तो अगर मैं बोलूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोर मोर चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, मोर इज द चार्ज ऑन कैटायन, लेस इज द साइज। तो जितना ज्यादा, लेस इज द साइज, और जितना ज्यादा चार्ज होगा किस पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन पे उतना ज्यादा होगा साइज। तो अगर इसको सही से अरेंज करें तो मैं बोलूंगा सबसे छोटा साइज किसका होगा, Al प्लस 3 का, फिर किसका होगा, Mg प्लस 2 का, फिर किसका होगा, Na प्लस का, फिर ऑब्वियसली F माइनस, और लास्ट में आएगा O माइनस 2। दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन में डाल सकता था कि अगर मैं इसमें नियॉन भी ले लेता, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे ले लूं कि Al प्लस 3, चलो एक सेकेंड क्वेश्चन और ले लो कि Al प्लस 3, Mg प्लस 2, Na प्लस, और मान लो एक है तुम्हारा नियॉन। अब पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ, तो याद रखना सब कुछ सेम होगा, बस नियॉन जो है उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। रीजन मैं बता देता हूं कि जो भी हमारे नोबल गैसेस होते हैं उनके लिए हम हमेशा चेक करते हैं वेंडरवॉल रेडियस, ठीक है, वेंडरवॉल रेडियस, और वेंडरवॉल रेडियस हमेशा ही क्या होती है, बाकियों से बड़ी होती है। तो वेंडरवॉल रेडियस का साइज हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। दो ऑर्डर मैंने कवर करा दिए हैं, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा ऑर्डर देखते चले जाना, जो चीजें तुम्हें नोट करती हैं वो करते चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं मैंने क्या लिया है। हाँ देखो, इसमें बोला है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मैंने मिक्स लिया है, किसी एक जगह से नहीं लिया है कि एकदम बोरिंग सा हो जाए। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है और तुम्हें यहां पर कुछ ऑक्साइड्स दे दिए हैं, तो याद ध्यान से सुनना जो मैं चीज बता रहा हूं उसको, बहुत ध्यान से सुनना सॉल्यूशन में। सबसे पहली चीज, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, मोर इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे मान लो इसमें अगर मैं वाटर ऐड करूं तो मैं तुम्हें चीजें बता भी देता हूं। तो देखो ये प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो बनेगा HClO4, ठीक है। इसी तरह ये P4O10 है, P4O10 में अगर मैं वाटर ऐड करूंगा तो ये देखो ये है प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जो एसिड बनेगा वो बनेगा H3PO4। तो यहां से मुझे क्लियर हो रहा है, यहां से मुझे क्या क्लियर हो रहा है, यहां मुझे ये क्लियर हो रहा है कि अच्छा जब, इसलिए इसको बोलते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या बना लेगा, H3
SO4 मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6। इसी तरह CO2 में अगर मैं वाटर ऐड करूंगा तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो कौन सा एसिड बनेगा, तो बन जाएगा H2CO3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो तुम्हें भी पता है कि क्लोरीन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, Cl2O7 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद SO3 का एसिडिक कैरेक्टर, उसके बाद P4O10 का एसिडिक कैरेक्टर, उसके बाद तुम्हारा CO2। तो ये है, दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मोर विल बी द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। तो देखो, इसमें तो नॉर्मल सा ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जो होती है वो कम होती है क्लोरीन से, तो सबसे ज्यादा होगी क्लोरीन की, फिर होगी बेटा फ्लोरीन की, फिर होगी ब्रोमीन की, और फिर होगी आयोडीन की। रीजन सबको पता है कि फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, तो उसमें इंटर आयनिक रिपल्शन होने की वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से कुछ एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। लॉस होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसीलिए दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट देखो, हाँ, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सीओ बॉन्ड लेंथ। अब देखो इसका क्या है, ये वैसे है इजी क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। इंक्रीजिंग सीओ बॉन्ड लेंथ बोला है, बॉन्ड लेंथ बोला है, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये चीज सबको पता होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। तो अब सबसे पहले सीओ हम बनाते हैं, सी डबल बॉन्डो और ऑक्सीजन अपने ये हो गया, सी डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, और कार्बोनेट होगा सी डबल बॉन्डो ओ माइनस। अब इसका इसमें रेजोनेंस होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कि सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, और 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.33। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे छोटा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आएगा CO3-2, फिर आएगा बेटा CO2, और फिर आएगा CO। सिंपल क्वेश्चन था, पर तुम्हें वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तुम्हें दे दिया है HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। याद रखना, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी समझा सकता हूं, पर ठीक है, अभी के लिए ये समझ लो कि HClO4 जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 सेंट्रल मेटल एटम पे, और HClO3 पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, तो ऑब्वियसली इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, HClO3 से ज्यादा होगा। अब आ जाओ HClO2, इसके है +3, तो ऑब्वियसली ये इससे ज्यादा होगा, और लास्ट में देखो HClO, तो इससे ज्यादा होगा। एक और तरीके से मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं समझा ही रहा हूं तो पूरा समझ लो यार। देखो, अगर ये चीज नहीं भी होती तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक तो मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहां से H+ रिमूव करूंगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब देखो, यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये यहां जाएगा तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, यहां जाएगा तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाकी के कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। मोर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल विल बी दिस कॉन्जुगेट बेस, और जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये चीज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी, तो वहां से भी कर सकते हैं। और दूसरा याद रखने के लिए कि जिस अगर सेंट्रल मेटल एटम पे ज्यादा होगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसकी क्या ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक दो क्वेश्चन इसी में और देख लो, जैसे मान लो ये तो हो ही गया, दो ऑर्डर और लिख देता हूं। जैसे मान लो H2SO4 है, तो मैं देखो एक ही में कई सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूं। मान लो H2SO4 है और H2SO3 है,
बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ये +6 में प्रेजेंट है और ये +4 में प्रेजेंट है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसी तरह मान लो H3PO4 है, H3PO3 है और H3PO2 है, तो फॉस्फोरस ये देखो कॉमन है ना, सेंट्रल मेटल एटम सब में कॉमन है, तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, तो यहाँ पे मैंने 3 एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हें समझा दिए हैं। तो ये सब अलग अलग करने से अच्छा हुए भले 6 क्वेश्चन हो, करे अभी हमने 6 क्वेश्चन है पर उसमें हमने ऑटोमेटिकली 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, बहुत अच्छा होने वाला ये वाला, ये जो पूरा देख लेगा ना उसको बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ देखो क्या बोला है कि ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और तुम्हें ये दे दिया है बीएल गाइंटल, मतलब बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम डाउन द ग्रुप जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। रीजन क्या होता है इसका, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, जैसे तुम लोग मना कर देते हो, तो इसी तरह वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो ये आ जाएगा बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, मतलब TL +3 पॉसिबल नहीं है, TL किस में एग्जिस्ट करता है, TL +1 में एग्जिस्ट करता है, ये चीज तुम्हें समझनी होगी, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर भी लिख दिया और ये चीज तुम्हें समझा भी दी, ठीक है। ऑर्डर याद रखना कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, 8th ऑर्डर देखो क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बताना है तुम्हें कार्बोनेट्स का, ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स दिए हैं और तुम्हें क्या बताना है, स्टेबिलिटी बताना है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक कैरेक्टर के। थर्मल स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक कैरेक्टर के। मोर इज द आयनिक कैरेक्टर, मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा तो उसका यहां पे हमें क्या यूज करना है, उसका हमें यहां पे ये यूज करना है कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होगा। तो ये देखो जो एनायन है वो कॉमन है सब में, एनायन जो है वो कॉमन है, CO3 -2, CO3 -2, CO3 -2, CO3 -2, CO3 -2, बट जो केटायन है वो डिफरेंट है, और अगर केटायन डिफरेंट है तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो लिथियम प्लस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सीजियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो वो एनायन को क्या करेगा, ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, तो मतलब शेयरिंग ज्यादा होगी, और शेयरिंग ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, इसमें पूरा लिखूं यहां पे, चलो मैंने बोल दिया है, तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो Li2CO3 की सबसे कम, फिर Na2CO3 की उसके बाद, फिर K2CO3, फिर RB2CO3 और फिर CH2CO3। कौन सा रूल लगाया इसमें, मैंने फजांस रूल लगाया, कौन सा, फजांस रूल क्या बताता है, फजांस रूल ये बताता है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हम फजांस रूल से बताते हैं, ठीक है। तो यहां तक का ऑर्डर हमें समझ में आ गया है, 8 ऑर्डर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके तो चलो हम देखते हैं, सबसे पहले तो देखो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड बाय फजांस रूल, तो फजांस रूल इसमें अप्लाई करना है तुम्हें, ठीक है। सबसे पहली चीज Cl- सब में क्या है, Cl- सब में कॉमन है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमें देखना है कि Na+, Mg+2 और Al+3,
अब अगर मुझे इसमें पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर पता चल जाए, तो तुम खुद सोचो कि Al+3 का मतलब क्या है, कि उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, तो Al+3 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा इन कंपैरिजन। तो देखो ये भी एक ऑर्डर हो गया। सो इफ दिस इज ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, अगर ये ऑर्डर है पोलराइजिंग पावर का, तो तुम अब खुद समझदार हो, बताओ जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मैं ये भी लिख देता हूं कि पोलराइजिंग पावर होती है किसकी, केटायन की। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब तुम देख लो कहां पे पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। हाँ, तो AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा यहां पे MgCl2 और ये होगा NaCl। सिंपल, क्योंकि Al+3 का पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है। अगर उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट ज्यादा करेगा और शेयरिंग ज्यादा होगी, और शेयरिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हें बताना है ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। अच्छा ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा, मतलब देखो एक है ये जैसे मान लो I- है, इसका साइज बड़ा है, फिर ये है तुम्हारा Br-, इसका साइज थोड़ा छोटा है, तो किसको पोलराइज करना है, इजी होगा। तो एक चीज याद रखना कि साइज जो है, जितना बड़ा साइज उतना इजिली वो पोलराइज हो सकता है। तो साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा क्या, इजिली वो पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। साइज किसका, पोलराइजेबिलिटी किसमें होती है, एनायन में होती है। तो जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या हो, मतलब I- इजिली पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उनको इजिली मैं क्या कर सकता हूँ, खींच सकता हूं अपनी ओर। ठीक है, तो ये आ जाएगा I- की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर Br-, फिर Cl- और फिर F-। कोई इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, तो मुझे तो अभी तक कोई एक्सेप्शंस दिख नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्या है, देखते हैं। अरे ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, वैसा ही क्वेश्चन है। पोलराइजिंग पावर हमेशा किसकी होती है, पोलराइजिंग पावर हमेशा होती है कैटायन की। कैटायन क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा चार्ज होगा किस पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर। तो मैं इसको लिख दूं कि चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा होगा तुम्हारा, उतना ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा पोलराइजिंग पावर। तो Al+3 पे चार्ज सबसे ज्यादा है, तो अगर इस पे ज्यादा है तो 10 का दम लगाते हुए Al+3 जो है इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर Mg+2, फिर अच्छा एक चीज और, इसमें दो चीजें हैं ना, Mg+2 और Ca+2। तो अब एक चीज और सोचो, साइज का भी इसमें रोल है, तो पहले मैं साइज का भी रोल बता देता हूं फिर इसको करता हूं। साइज देखो, एक है पॉजिटिव चार्ज ऐसे, उसका साइज छोटा है, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज बड़ा है। तो तुम खुद सोच के बताओ कि किसको कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। ऑब्वियसली जिसका साइज छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि साइज ऑफ केटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो सोडियम है, फिर Mg+2 है, फिर Ca+2 है, और फिर Al+3 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि Al+3 क्या है, उसका साइज तो छोटा होना ही है, फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम का आएगा, तो इस पर प्लस
प्लस थ्री चार्ज है, तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री का तो सबसे ज्यादा होगा क्या, पोलराइजिंग पावर। फिर आएगा तुम्हारा मैग्नीशियम प्लस टू, क्योंकि उसका साइज छोटा होगा इन कंपैरिजन टू कैल्शियम प्लस टू। फिर आएगा सी ए प्लस टू और फिर आएगा एन ए प्लस। सो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। तो चीजें बहुत इजी हैं, जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब कि सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, H3PO4 जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये फर्दर तो ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता है। और एक चीज मैंने तुम्हें बताई भी थी पहले कि मोर इज द नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर बोल लो या रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोल लो, तो मैं तो रिड्यूसिंग पावर बोल देता हूं। तो अब इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो पीएच बॉन्ड कहां जाता है, ये देखो ओ एच 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 पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एच ओ एच पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एच। ये देखो इसकी बेसिसिटी कितनी है, थ्री। इसकी बेसिसिटी है टू। इसकी बेसिसिटी है वन। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फर्दर तो कहीं ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो +5 वाले को वहीं छोड़ दो। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी किसकी, H3PO2 की, फिर होगी H3PO3 की और फिर होगी H3PO4 की। तो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लंबा वीडियो हो सकता है पर पूरा देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। ऑब्वियसली बात है कि हाइड्रोलिसिस करना है तो जितना ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा बोरॉन पे, उतना इजीली वाटर उस पर अटैक करेगा। और अब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा बैक बॉन्डिंग का, तो BF3 में जो बैक बॉन्डिंग होती है उसका एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा Bi3 का हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगा या सबसे फास्ट होगा। उसके बाद आएगा BBr3, उसके बाद आएगा तुम्हारा BCl3 और उसके बाद आएगा तुम्हारा BF3, सेम एज ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी। और वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें तुम्हें ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी बताना है। लुईस एसिडिटी क्या होती है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड लुईस एसिडिटी। तो जो इजिली लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये देखो बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है अपने लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन में क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है और यहां पे 2p 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी। पर जब बोरॉन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होगी तो क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल आ जाएगा। तो यहां पे भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बट एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कहां पे अच्छा होगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज मोर इन BF3। तो इफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज मोर इन BF3, देन द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस कैपेसिटी इज डिक्रीज इन BF3। तो जो Bi3 है उसकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लेस। इफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लेस देन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज मोर, एंड इफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज मोर देन लुईस एसिडिटी इज मोर। इसका मतलब कि Bi3 की लुईस एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, BBr3 की होगी, फिर BCl3 की होगी और फिर BF3 की होगी। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ और यहां पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, जिसको पता नहीं है बैक बॉन्डिंग के बारे में वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा, पक्का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे वो दिमाग तुम्हारा लगेगा नहीं उस समय, तो वीडियो देख लेना तो मैं थोड़ा तो आइडिया हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 50 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा आज, 50 एटलीस्ट। हाँ देखो, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है और यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, फॉस्फोरस पे, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, ठीक है,
तो इसमें पूछा है बेसिक ऑर्डर, तुम खुद ध्यान से सोचो, डाउन दी ग्रुप जाने पे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। डाउन दी ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकता है। तो अगर चार्ज बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो इजिली डोनेट नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा किसका, अमोनिया का, फिर होगा किसका PH3 का, फिर होगा किसका AsH3 का, और फिर किसका होगा SbH3 का। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि एज द, या ऐसे लिख लो अगर तुमको इस वाले क्वेश्चन के लिए, बस साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, ये तो याद करने वाली चीज हो गई, मैंने तुम्हें समझा दिया है क्या हुआ है, ठीक है? तो अगर समझ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जिसको याद करने में मजा आती है वो याद कर ले भाई, ये ऑर्डर है, मैं तो तुम्हें सिखा ही रहा हूं, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, पक्के क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, ठीक है? चलो, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अरे एच एफ का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, एच सी एल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, एच बी आर का बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगा, एच आई का बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगा। किसको ब्रेक करना इजी होगा, एच आई के बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा। अगर इसको ब्रेक करना इजी होगा तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा भैया, कम होगा। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा। तो एच एफ का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एच सी एल का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर उसके बाद एच बी आर का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर उसके बाद एच आई का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या कम। तो वही चीज है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब ये तुम्हें पता होगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा, ठीक है? ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस के आसपास हमने कवर कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आई माइनस, साइज बड़ा हो गया, डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई। साइज जब बड़ा होता है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो F माइनस है उसका साइज बहुत छोटा है तो जो चार्ज होगा वो कंसेंट्रेटेड होगा, चार्ज कंसेंट्रेटेड होगा तो मैं इजिली क्या कर सकता हूं, डोनेट कर सकता हूं। और I माइनस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो डोनेट करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर है, सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो होगा F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और अगर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसी में देखो मैं तुम्हें कई सारी चीजें बता देता हूं। ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, अगर कोई पूछे कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आई माइनस, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बी आर माइनस, उसके बाद होगा सी एल माइनस, उसके बाद होगा एफ माइनस। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और अगर कोई पूछे कि फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, बस इसमें एच प्लस लगा दो, तो एच आई इज, एच आई का एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर देन एच बी आर। यस, दिस इज ऑर्डर ऑफ, दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम करते हैं, यहां पे भी कर लिया, तीन ऑर्डर देखो हो गए, भले हम क्वेश्चन 17 पे हैं, हम ऑर्डर आगे चल रहा है हमारा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज। एक चीज हमेशा याद रखना कि हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जिसका साइज छोटा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा। अब बताओ पीरियड में जाने पे क्या होता है, जैसे मान लो ये Na है, ये Mg है, ये Al है, तो अगर मैं पीरियड में जाऊंगा तो साइज क्या होगा, साइज मेरा डिक्रीज होगा। और साइज अगर मेरा डिक्रीज होगा
तो उसका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसका हाइड्रेटेड साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब Al प्लस थ्री का हाइड्रेटेड साइज इज मोर, Al प्लस थ्री का हाइड्रेटेड साइज इज मोर देन Mg प्लस टू, एंड Mg प्लस टू का इज मोर देन Na प्लस। क्यों? क्योंकि Al प्लस थ्री का साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा, और अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड साइज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट ऑर्डर, इसको एक बार चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी। वही मोर इज द हाइड्रेशन, मोर विल बी द हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो एक चीज तो हमेशा याद ही रखनी है, जो अभी मैंने तुम्हें बताया कि हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और अगर ये साइज के मोर इज द हाइड्रेशन, मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, बेरिलियम प्लस टू का। तो बेरिलियम प्लस टू की हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर Mg प्लस टू, फिर Ca प्लस टू, फिर Sr प्लस टू, और फिर Ba प्लस टू। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, बहुत ही सिंपल है, कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे आ गए हम, 40 क्वेश्चंस हैं टोटल, कर देंगे आज ही खत्म। चलो देखो, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अभी बताया था कि जब भी हमें थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है, और थर्मल स्टेबिलिटी को हमेशा ही हम किससे चेक करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे, आयनिक कैरेक्टर चेक करेंगे, देखो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करना है तो हम फजांस रूल चेक करते हैं। ठीक है, तो जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो जितना छोटा साइज उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर आएगा, इसका जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो आएगा BeCO3, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर BeCO3 का होगा। तो पहले मैं कोवेलेंट कैरेक्टर का ही ऑर्डर लिख देता हूं। ठीक है, ये MgCO3, जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, या दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर है, क्योंकि SrCO3 में आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही किसका ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर होगा थर्मल स्टेबिलिटी का। तो दोनों का ऑर्डर देखो यहां से हो गया, जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर है, और उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, उसका जो जस्ट अपोजिट होगा वो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और इससे तुम्हारी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। चलो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट रुकना यार। ठीक है, ले रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। ठीक है, वही वाली चीज है। ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी में क्या देखते हैं, देखो तुम्हें भी पता है कि डाउन दी ग्रुप जाने पर सेकेंड ग्रुप होते हैं उसके जो सल्फेट्स होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी डाउन दी ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि डाउन दी ग्रुप जाऊंगा तो साइज जो है मेरा इंक्रीज होगा, तो हाइड्रेशन उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाएगा पर जो लैटिस एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, लैटिस एनर्जी जो है, अच्छा एक चीज तो तुम्हें पता ही होगा कि सॉलिबिलिटी कब होती है, व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी। ये होता है सॉलिबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, और डाउन दी ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और लैटिस एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है डाउन दी ग्रुप जाने पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो सॉलिबिलिटी भी मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डाउन दी ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, और इस केस में जब हाइड्रेशन एनर्जी डाउन दी ग्रुप जाने पे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है और लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डाउन दी ग्रुप जाने पे सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब कि BeSO4 की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद MgSO4 की सॉलिबिलिटी, फिर उसके बाद CaSO4 की सॉलिबिलिटी। ये बाकी जो नीचे वाले हैं ये तो ऑलमोस्ट इनसॉलिबल ही होते हैं, ये तुम्हें पता ही है कि दिस इज ऑलमोस्ट इनसॉलिबल, ये दोनों होते हैं सॉलिबल। ठीक है, तो इसको मैं लिख ही देता हूं, ये दोनों होते हैं सॉलिबल। और हम एक टेस्ट भी करते हैं, अगर तुम्हें याद हो कि अगर मुझे सल्फेट पता करना है
कि किसी कंपाउंड मतलब किसी सॉल्ट में सल्फेट प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसकी बेरियम से रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाता है बेरियम सल्फेट, और इसके क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, याद आया? तो ये हम टेस्ट भी करते हैं। इसका मतलब BaSO4 इज नॉट सॉलिबल इन वाटर, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब ध्यान से सुनना क्या होगा, BaIntL, ठीक है, मतलब बेरियम एल्युमिनियम। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए कि बेरियम सॉरी बेरियम नहीं बोरॉन है ये, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो बोरॉन की साइज सबसे कम, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। नॉर्मली हम यही ऑर्डर पढ़ते हैं, पर ये ऑर्डर गलत है। यहां पे एक छोटा सा चेंज होता है, यहां पे जो चेंज होता है वो ये होता है कि जो गैलियम की साइज होती है वो एल्युमिनियम से छोटी हो जाती है। रीजन रीजन ये है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से, यहां पे डी आ जाएगा, डी डी सबशेल की वजह से, जो डी सबशेल या जो डी ऑर्बिटल होता है उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं, तो जो गैलियम की साइज होती है वो एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, और ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो ये तुम याद रखना, दिस इज करेक्ट ऑर्डर। तो जहां पे अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना कि यहां पे मैंने कट किया है, इसका मतलब ये गलत है, और इसमें से जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं जो तुम्हें ठीक लग रहा है लिखना चाहिए वो तुम लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कार्बन कार्बन के साथ ही क्या करने लगे, बॉन्ड बनाने लगे और चेन बनाने लगे, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब तुम एक बात सुनो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर विल बी द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बाकी सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, फिर सिलिकन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, फिर जर्मेनियम और सिलिकन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल पूछा नहीं जाता है, पर पूछा भी जा सकता है, जेई मेंस में तो पूछा ही जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ध्यान से सुनो, डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाने पे, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो इजिली मैं H2 गैस क्या कर सकता हूं, रिलीज करवा सकता हूं। तो अगर मैं हाइड्रोजन को रिलीज करवाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, तो डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा BiH3 का, दिस इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर, फिर SbH3 का, फिर AsH3 का, फिर PH3 का, और फिर अमोनिया का। दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ किसका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर लिख दोगे, जस्ट अपोजिट लिख दोगे तो वो हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, ठीक है। तो किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑलमोस्ट हमने 30 क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लिए हैं, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। अब इसमें देखो दो तीन चीजें एक साथ मैं ले लिया हूं, ठीक है। चलो देखो, पहला पूछा है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दूसरा देखो क्या ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब पॉसिबल है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड इफ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस
तो इलेक्ट्रॉन को मैं ऑब्वियस सी बात है अपनी ओर पुल तो करूंगा नहीं। मेटल क्या करता है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर के, तो पुल तो करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करेगा वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कोशिश करेगा। तो Bi कभी -3 में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। Bi प्रेजेंट होता है बेटा +3 में। तो Bi -3 तुम्हें कभी कोई कंपाउंड दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब डाउन दी ग्रुप जाने पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ये है करेक्ट ऑर्डर। ये है नाइट्रोजन की -3 बनाने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी, फिर फॉस्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो पी ब्लॉक भी कंप्लीट हो रहा है, एस ब्लॉक भी कंप्लीट हो रहा है। देखो नेक्स्ट आ गया ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी मैंने बताया था कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि N2O3 में मैं वाटर ऐड करूंगा, तो ये देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसमें वाटर ऐड करूंगा, तो इसका जो ऑक्सो एसिड बनेगा वो बनेगा HNO2, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। और अगर N2O5 में वाटर ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा HNO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2O3। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है। तो ये देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे फॉस्फोरस है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो P4O6 प्लस वाटर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये +3 में है, तो ये बन जाएगा H3PO3, मतलब +3। और P4O10 प्लस वाटर, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड कौन सा है फॉस्फोरस का, H3PO4, मतलब +5 +5। तो +5 वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो P4O10 इज मोर एसिडिक देन P4O6। ऐसे करोगे क्वेश्चन याद भी रहेगा और मजा भी आएगी और इनऑर्गेनिक समझ में भी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है, अच्छा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, पी डबल बॉन्ड हो, ओ एच ओ एच ओ एच, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, इसकी बेसिसिटी होती है 3, इसकी बेसिसिटी होती है कितनी 2, इसकी बेसिसिटी होती है 2, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, इसकी बेसिसिटी होती है 1, इसकी बेसिसिटी होती है 1। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, H3PO4 की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद H3PO3 और उसके बाद H3PO2। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सेम, डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे ऐसे सुनो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, H2TE की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, फिर H2SE की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, फिर H2S की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और फिर H2O की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा किसका, इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, ठीक है। इसी तरह भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी आते हैं, ठीक है। तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम उतनी इजिली वो H2 को रिलीज कर सकता है ना, तो उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देगा, और अगर मैंने एक्साइटमेंट में कुछ गलत बोल दिया तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तुम खुद बताओ कि ये ओ है, एच है, एच है, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा जब यहां से एच प्लस रिमूव होगा, ये एस है, एच है, एच है, एसी एच एच। जहां पे बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा वहां पे क्या होगा, जहां पे बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा वहां से इजीली एच प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि एच टू टी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एच टू एस सी, और इसका इन कंपैरिजन टू एच टू एस, और इसका इन कंपैरिजन टू एच टू ओ। सिंपल है, दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो इजिली क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो इजिली एच प्लस को रिलीज कर देगा, और एच प्लस को जब इजिली रिलीज कर देगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बोल लो, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल लो, दोनों बात सेम है। तो मैं अगर तुम्हें बताऊं कि जो फ्लोरीन है, अभी देखो एग्जांपल से ही पता चल जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन को अगर रखोगे साथ में तो इसको Cl2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद F- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर फ्लोरीन को Br- के साथ रख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये Br- को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा Br- और F- में। इसी तरह F2 जो है, अगर उसकी I- से रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा I2 में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा F- में। इसी तरह F2 की रिएक्शन अगर तुम करा दोगे वाटर से, तो वाटर से भी रिएक्शन कराओगे तो ये खुद तो बना लेगा HF और इसको O2 में कन्वर्ट कर देगा, तो HF का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा O2 में। तो ये देखो 4HF F है ना, F2 2H2 2F2, तो 4 हो गया और ये O2 हो गया। हाँ ठीक है, तो F2 जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कह लो, वो सबसे ज्यादा किसका होगा, F2 का होगा, फिर किसका होगा, Cl2 का होगा, फिर किसका होगा, Br2 का होगा, और फिर किसका होगा, I2 का होगा। तो F2 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हो तुम। अगर उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 6-7 क्वेश्चन और है, जल्दी से कवर करते हैं और ये वाला वीडियो फिनिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो बोला कि ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताओ, ये तुम्हें MF, MCl, MBr, MI दिया है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आयनिक कैरेक्टर पूछा है और फजांस रूल हमें लगाना है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो M तो कॉमन है, M से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, F-, Cl-, Br-, I-। बताओ कौन इजिली पोलराइज हो जाएगा, जितना बड़ा साइज उतना इजिली पोलराइज हो जाएगा, उतना इजिली क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो I- की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर Br- की पोलराइजेबिलिटी, फिर Cl- की, और फिर F- की। सो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी, सो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। अगर ये पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर है तो पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें क्या बताना है, हमें आयनिक कैरेक्टर बनाना है। तो MF का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर MCl का आयनिक कैरेक्टर, फिर MBr का आयनिक कैरेक्टर, और फिर MI का आयनिक कैरेक्टर। दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछता तो जस्ट अपोजिट होता इसका, क्यों, क्योंकि I- इजिली पोलराइज हो जाएगा, और अगर वो इजिली पोलराइज हो जाएगा तो उसमें शेयरिंग ज्यादा होगी, और अगर शेयरिंग ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी तुम्हें बताना है ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो देखो ये है +4 में और ये है बेटा +2 में। जो +4 में होगा वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर पुल करेगा, तो आयनिक कैरेक्टर कहां पे ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है कि SnCl2 का आयनिक कैरेक्टर इज मोर देन SnCl4। दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इस तरह नीचे वाले में PbCl2 का आयनिक कैरेक्टर इज मोर देन PbCl4। PbCl4 जो है वो थोड़ा सा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो तुम्हें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होती है, बट सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज मोर देन, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज मोर देन ऑक्सीजन, बिकॉज देयर इज लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन सल्फर। तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये है करेक्ट ऑर्डर और ये है रॉन्ग ऑर्डर। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सॉरी उल्टा बता दिया क्या मैंने, उल्टा लिख गया। एक मिनट रुकना यार, जल्दी जल्दी में बकवास करने के चक्कर में उल्टा लिख दिया। सल्फर का सबसे ज्यादा ना, फिर ऑक्सीजन का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलेरियम का, ठीक है। तो बोलने और करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी ना, तो बोला कुछ और है और साइन कुछ और लगा दिया है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लिख दूंगा कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये करेक्ट ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, यही करेक्ट है। सबसे ज्यादा सल्फर, फिर ऑक्सीजन,
फिर सेलेनियम, फिर टेरेरियम, ठीक है? ये ऑर्डर नहीं होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, दिया गलत है, दिस इज रॉन्ग। रीजन तुम्हें मैंने बता दिया है, रीजन बहुत क्लियर है कि सल्फर में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत कम होगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोर इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साइड से इस साइड जब मूव करूंगा P2O5 की साइड, तो P2O5 में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, फिर SiO2 में और कम होगा, तो P2O5 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर SiO2 का एसिडिक कैरेक्टर, फिर Al2O3, फिर MgO और Na2O। और अगर मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहां तक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अरे सिंपल है, आयनिक मोबिलिटी पूछा है ना, तो आयनिक मोबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका हाइड्रेटेड साइज कम होगा, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज, ना कि साइज, हाइड्रेटेड साइज, ठीक है? और हाइड्रेटेड साइज किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रेटेड साइज डिपेंड करता है हाइड्रेशन पे। तो अगर मैं ये बोलूं कि हाइड्रेटेड साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो एक बात बताओ, जो लिथियम प्लस होगा उसका जो हाइड्रेटेड साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो उसकी जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो सबसे कम होगी, तो सबसे तेज भागेगा CS+, फिर भागेगा RB+। साइन अगर मैं बोल कुछ रहा हूं और साइन अगर गलत हो जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, RB+, और उसके बाद K+, और उसके बाद Na+, और उसके बाद Li+। दिस इज ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, दिस इज ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो क्वेश्चन और है, जल्दी से खत्म करके वीडियो फिनिश करते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दो क्वेश्चन और है, जल्दी खत्म करते हैं। ये देखो एफ ब्लॉक का है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो तुम्हें पता होगा कि जब हम एफ एफ ब्लॉक में जैसे लेंथेनम प्लस थ्री से नीचे की ओर मूव करते हैं तो आयनिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो लेंथेनम से ल्यूटीटियम की ओर जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आयनिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, मतलब जो 4f जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत डिफ्यूज्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपका साइज डिक्रीज हो जाता है डाउन दी ग्रुप जाने पे। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लेंथेनम का साइज सबसे बड़ा होगा, Na+3, तो ये होगा करेक्ट ऑर्डर, Na+3, फिर उसके बाद आएगा लास्ट से, हाँ, Ce+3, फिर आएगा Pm+3, फिर आएगा Yb+3, और फिर आएगा Lu+3, ठीक है? ये थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए ये एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं, तो तुम ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन का, डाउन दी ग्रुप जाने पे आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई दोनों ही डिक्रीज होती है, बट एटॉमिक रेडियाई का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे स्मूथ पैटर्न नहीं है, पर आयनिक रेडियाई का जो पैटर्न होता है वो बहुत स्मूथ होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये बोलना चाहता है घुमा फिरा के कि डाउन दी ग्रुप जाने पे प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। तो तुम्हें भी पता है कि कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, डाउन दी ग्रुप जाने पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर डाउन दी ग्रुप जाने पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? स्टेबल होगा। तो डाउन दी ग्रुप जाने पे डाइहैलाइड्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा डाइहैलाइड की स्टेबिलिटी कहां होगी? PbX2 में सबसे ज्यादा, फिर SnX2, फिर GeX2 और फिर SiX2।
आई होप यहां तक सबको वीडियो समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये ऑर्डर वाले और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगेगा और ये आपकी इनऑर्गेनिक की प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।